ये सामने वाला गेट है जहां से गुजरकर हमको जाना पड़ता है वेद व्यास के लिए। वही जगह है, यही गेट है, यहीं पर यहीं से जाना। ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है। ये नजारा देखिए, ये मंदिर का सामने वाला है। ये देखिए, हनुमान जी, ये भी हनुमान जी है। यही संगम है जहां पर शंख और कोयल का और सरस्वती का संगम होता है। अभी देख रहे हैं ना, ये गुफा के जाने के लिए रास्ता है। ये गुफा से हम जा रहे हैं अभी, ये गुफा का रास्ता है। ये गुफा के सामने एक ठो सत्संग के लिए बनाया गया है। यहीं पर पूजा पाठ जो हो रहा है ना, उनका उत्सव हो रहा है। उनका जो कभी भी कोई भी ज्यादा आदमी ज्यादा लोग, यही है गुफा। ये एक छोटा सा मंदिर है, गुफा का नजारा देखिए, ये गुफा है। ये गुफा है, यही पर वेद व्यास जी ने महाभारत का लिखा करते थे। यही वेद व्यास जी का गुफा है, ये मेन गुफा है। यहाँ गणेश जी की सहारे से वो लिख रहे थे महाभारत। यही गुफा है, ये देख रहे हैं ना सामने गुफा, इसका नजारा देखिए, देखिए कैसा है ये गुफा। बस ये गुफा ही यहीं पर लिखा गया है, वेद व्यास का गुफा भी लिखा गया है, यही गुफा है। देखिए ये भी एक बार, फिर से एक बार हम दिखा रहे हैं इसका नजारा। अभी इसको रिमॉडलिंग करके ऊपर ऊपर छत डाल दिया है, यही गुफा है। ये देखिए कैसा है नजारा इनका। ये सामने जो छोटा सा दिख रहा है ना, छोटा वाला, ये देखिए वेद व्यास जी का फोटो भी लगा रखा है। ये देखिए नजारा कैसा है। देखिए यही गुफा है। व्यास जी का गुफा जहाँ पर वो महाभारत लिखा करते थे गणेश जी के सहारे से। गणेश भगवान जी के सहारे से लिख रहे थे। ये देखिए कैसा नजारा है, गणेश जी सामने भी है। ये देखिए गणेश जी, यही है वो महाभारत जहां देख रहे हैं।
यही संगम है। दाएं तरफ जो है वो कोयल है, दाएं तरफ जो है कि वो कोयल है, वो बाएं तरफ जो है कि वो शंख है, उसमें सरस्वती का नदी का मिलन हुआ है, तो इसलिए यहीं पर इसको संगम कहते हैं। यहीं पर पितृ का श्राद्ध भी किया जाता है। ये देखिए, ये जो ये शंख है, ये शंख है, ये हो गया ब्राह्मणी, वो तीनों मिलकर यही हो गया ब्राह्मणी का संगम। यहीं पर संगम पर यहाँ पर एक हो गया, ये ब्राह्मणी है। ये जो दिख रहे हैं ना सामने, यहीं पर पितृलोक के लिए श्राद्ध किया जाता है। जब कोई आदमी का कोई आदमी आकर करते हैं तो श्राद्ध यहीं पर देते हैं, क्योंकि ये पवित्र जगह है, त्रिवेणी का संगम माना जाता है। ये देखिए नजारा, ये देखिए, हम अभी सरस्वती की तरफ जा रहे हैं, जहां से सरस्वती निकल कर आए हैं। ये संगम है सामने वाला, ये संगम है, संगम संगम का दृश्य देखिए, ये संगम है, संगम। कितना खूबसूरत है देखिए। ये एक छोटा सा जगह है, बनाया गया है ऐसे रिक्रिएशन के लिए। हम जा रहे हैं अभी सरस्वती, जहां से नीचे से उठकर आए हैं, इसका पता नहीं चलता है कहां से वो सरस्वती निकल कर आए हैं, कोई भी नहीं जानता है, लेकिन पानी बह रहा है। हम आप ही देखेंगे उसको, सामने जाकर जा रहे हैं, अभी उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। बस आ गए हम सरस्वती, जो सामने दिख रहे हैं ना, वहीं पर सरस्वती का उद्गम हुआ है, वहीं से नीचे से निकल कर आए हैं वो। देखिए कैसा है, यही है सरस्वती, यही है सरस्वती, यहीं से निकल रहे हैं। साधु संत भी यहीं पर रुकते हैं, कई कई साधु, ज्यादा नहीं, एक दो चार साधु। ये देखिए, यही वो कुंड है जहां से सरस्वती का उद्गम हुआ है, जहां से सरस्वती निकल रहे हैं, वो जाकर वही दोनों में मिल जाते हैं, शंख और कोयल में मिल जाते हैं। ये देखिए नजारा, ये देखिए नजारा कैसा है, ये कुंड ऐसा बनाया गया है अभी। पहले तो ये सब नहीं था, अभी ये बना चुका है, बन चुका है यहीं पर। ये देखिए ये कैसा नजारा है, ये देखिए चारों तरफ का देखिए कैसा है नजारा, ये देखिए। अभी भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, ये देखिए कैसा है नजारा। यहीं पर मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मेरा GoPro Hero 7 Plus से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, प्रमोट करेंगे तो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका आभारी रहूँगा। देखिए मैं जा रहा हूँ अभी, यही है सरस्वती कुंड, यही सरस्वती कुंड है, यहीं पर लिखा हुआ है, बोर्ड एक तो दिया गया है, ये सरस्वती कुंड है। ये एक तो बेड बोर्ड है, जहाँ स्टील प्लांट का मैनेजिंग अथॉरिटी ने उनको बनाया है, इसका बोर्ड यहीं पर लगा हुआ है। देखिए बस ये सामने वाला नजारा है, ये सामने वाला का, जहाँ सरस्वती का कुंड सामने देखिए।
यही वो घाट है जहां से सरस्वती निकलकर हुई नदी में मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं एक ही साथ। उसके बाद वो बन जाता है ब्राह्मणी, यहीं से निकल रही है, इसी रास्ते से जा रहे हैं सरस्वती जी। ये देखिए, ये सरस्वती का नजारा है।